ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस और सेशन हमारा 64 होगा और चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो इससे पहले जो 64 सेशन नहीं देखे हैं, 63 नहीं देखे हैं, उनको 63 एक बार देख लेंगे, इसके बाद 64 आपको इजिली समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमेशा हर कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि कुछ प्लांट और कुछ एनिमल्स हमारे इन्वायरमेंट से अचानक गायब होने की अनुभव होती है। आप लोग को अभी नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा जैसे जैसे आप उम्र बड़े होंगे आप ऐसा फील करेंगे। हम लोग भी जूनियर लेवल में नहीं फील किया करते थे, बट आज फील होता है कि उस समय ये तो हुआ करता था बट आज नहीं है। ठीक है, जैसे भल्चर वगैरह का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, बनाना मैंगो का एग्जाम्पल लिया, बट आज के डेट में वो मतलब विलुप्त होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। ऐसा कॉज क्या है? तो ये सब जब पता चला तो बाद में देखा गया कि ऐसा क्यों है। तो ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, इतने पॉपुलेशन बढ़ने के कारण आप फॉरेस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, काट रहे हैं, वहां पे हाउस स्टेबल कर रहे हैं, कुछ भी इंडस्ट्री लग रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद पता चला, मेन कॉज समझ में आया कि सबसे बड़ा जो डिफॉरेस्टेशन है, तो डिफॉरेस्टेशन के कॉज और उसके होने वाले इफेक्ट के बारे में पता चला कि इतना तो है। तो आनन फानन में यहाँ पे कुछ एक्ट लगाए गए 1972 में एक एक्ट बना। उस एक्ट में कुछ चीजों पर मतलब डिटेल्स किया गया कि ये काम आपको करना है, ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें देखा गया कि सब नेशनल पार्क बने। ठीक है, नेशनल पार्क, ओके, नेशनल पार्क, फिर नेशनल सेंक्चुरीज, नेशनल सेंक्चुरीज एंड बायोस्फेयर रिजर्व। ठीक है, ये तीन चीज जो है ये बना। तो इसमें नेशनल पार्क में एक्चुअली क्या होता है कि इसमें प्रोटेक्शन होता है। किस चीज का? प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल। ओके, एनिमल, और इसमें होगा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ। यहां पे एक चीज आपको और हम क्लियर कर देते हैं कि जैसे ये वाइल्ड हो गया, वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल। इसके बाद पेट्स, इस तीनों वर्ड को जरा गौर से देखिए। वाइल्ड लाइफ ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो ह्यूमन प्रोटेक्शन में नहीं आता है, ह्यूमन उसका केयर नहीं करता है। जैसे आपने अभी आप नील गाय, ठीक है, नील गाय का नाम सुना होगा, जिसको लोग पालते नहीं है, नहीं पालते हैं। क्यों नहीं पालते हैं? वो किसी भी एंगल से ह्यूमन बींग्स के लिए उपयोगी नहीं दिख रहा है। जैसे काउ, बुफेलो, ये सब दिख रहे हैं, वैसे उतना बेनिफिशियबल नहीं है। जैसे आप जिराफ को ले लें, ओके, जिराफ को ले लें, इसको भी नहीं कोई पालता है। जेब्रा को ले लें, इसको भी नहीं कोई पालता है। जैसे वाइल्ड एनिमल है, जो पालन पोषण में नहीं देखने को मिलेगा, जैसे वाइल्ड एनिमल कह जाएंगे। डोमेस्टिक एनिमल में क्या होगा, जैसे जिसको बेनिफिट के लिए लोग पालते हैं, हॉर्स हो गया, बुफेलो हो गया, है ना, बुफेलो हो गए, फिर काउ हो गया, ये सब बेनिफिट के लिए पाला जाता है। लेकिन पेट्स जो होता है ये शौक से पाला जाता है, जैसे डॉगी, है ना, डॉग हो गया, उसके बाद पैरोट, इन सब से कोई बेनिफिट नहीं है, ये सिर्फ शौक के लिए पाला जाता है। लोग चूहा पालते हैं, खरगोश पालते हैं, ये सबसे बेनिफिट नहीं होता है, सिर्फ उसको शौक से पालते हैं। डिफरेंट बर्ड को लोग पालते हैं, वो सिर्फ शौक से पालते हैं, वो सब पेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, इसमें वाइल्ड एनिमल, और इसके जो बाउंड्रीज होते हैं, ठीक है, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज
ओके वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होते हैं इसके, और इसके बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, ओके नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। तो इसके बाउंड्रीज वेल डिफाइंड है, ध्यान रखेंगे नेशनल पार्क, नंबर ऑफ नेशनल पार्क अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ नेशनल पार्क ये 105 है अभी अपने पूरे देश में, ठीक है। और नंबर ऑफ नेशनल सेंचुरीज ओके नंबर ऑफ नेशनल सेंचुरीज ये 532 है ना, 532 ये सेंचुरीज देखने को मिलता है। यहां भी प्रोटेक्शन होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि नेशनल पार्क के बाउंड्री वेल डिफाइंड होते हैं और सेंचुरीज के बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, मतलब ये ओपन होता है। लेकिन दोनों में, इसमें और इसमें, आप किसी भी तरह के ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे उसमें जाना हो गया, फिर उसमें पेड़ काटना हो गया, किसी एनिमल को ले जाना, एनिमल को लाना या ऐसे अनावश्यक मतलब जाना, कुछ तरह की कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म करना यहाँ दोनों में बैन है, आप वहां नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें प्लांट एनिमल इन सभी की प्रोटेक्शन तो होती है, इसकी जो नंबर है वो 18 है। नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अगर देखा जाए, नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इसमें अगर देखा जाए तो ये 18 है, कितने हैं 18 है। अब इसका थोड़ा सा बायोस्फीयर रिजर्व का जो है थोड़ा सा ये अलग है, नेशनल पार्क और नेशनल सेंचुरीज से अलग, ठीक है। अब इसका अलग से डायग्राम बनाते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअली होता कैसा है, जरा इसको हम लोग देखें, ठीक है। तो इसके जो डिजाइन है मिला, ओवरऑल देखा जाए तो तीनों को मिला देंगे तो एक साथ आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये है, ये बायोस्फीयर रिजर्व का एक एरिया है, हालांकि इसके बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, लेकिन ये तीन क्षेत्र में बटा हुआ होता है, ठीक है। ये सबसे पहले जो ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं कोर जोन। क्या बोलते हैं? ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलेंगे कोर जोन, ठीक है, कोर जोन। इन कोर जोन में ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं होगा, नो ह्यूमन एक्टिविटी, नो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आप नहीं कर सकते, वहां सिर्फ कुछ स्टाफ्स हैं, वो स्टाफ वहां प्लांट वो एनिमल उसको जो है प्रोटेक्ट करता है ना, और वहां और बाकी कोई नहीं जा सकता, सिर्फ वहां पे प्रोटेक्शन होगी और कोई नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो जोन है, ये जो जोन बच गया, ये इसके बाद सेकेंड जोन है, इसको बोलते हैं बफर जोन, ठीक है, बफर जोन इसको बोलते हैं, ये क्षेत्र जो सेकेंड वाला है इसको बोलते हैं बफर जोन, ठीक है, इसको बोलेंगे बफर जोन। बफर जोन में क्या होगा? बफर जोन में एजुकेशनल टूर हो सकता है, ठीक है, एजुकेशनल टूर होंगे, ठीक है, इसमें विजिटर्स जाएंगे, इसमें मतलब ये सब जाने घूमने, ठीक है, ट्रैवलिंग हो सकता है, घूम सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, बट आप कोई पेड़ नहीं काट सकते, ग्रेजिंग नहीं कर सकते, पोसिंग नहीं कर सकते, किसी एनिमल को, किसी प्लांट को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप सिर्फ ट्रेवलिंग विजिटर्स वगैरह के लिए, फॉरेन जो ट्रेवलर आते हैं उसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो एजुकेशनल कोई भी कंपेन होगा उसके लिए, इन सब चीजों के लिए वो एरिया खोला जाता है, वो ओपन रहता है, बट इससे आगे नहीं जा सकते, मतलब यहाँ बफर जोन में जा सकते हैं, ठीक है। और जो ये लास्ट वन जो सबसे बड़ा एरिया है इसको बोलते हैं ये आउटर या ट्रांजिट जोन बोलते हैं, ठीक है, आउटर और ट्रांजिट जोन,
ठीक है, ट्रांजी जून, ठीक है। इसमें देखिए क्या हो सकता है कि आप ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है ना, ह्यूमन सेटलमेंट हो सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट हो सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो सकता है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो सकता है, ठीक है, आप वहां पे जा सकते हैं। ये विजिटर्स वगैरह ट्रेवलर वगैरह जब इसमें जाते हैं तो इसमें तो जाते ही हैं, यानी लोग अपना घर बना सकते हैं, है ना, इसमें अपना घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। हाँ, ये बाकी सब काम करेंगे, सूखे पेड़ को काट भी सकते हैं, हरे पेड़ को नहीं काटेंगे, पूरी तरह डिफोरेस्टेशन नहीं कर सकते हैं, हरे पेड़ नहीं काट सकते हैं, वहां अपना जीविका चला सकते हैं। हाँ, एक काम नहीं हो सकता है, नो इंडस्ट्री, इसमें इंडस्ट्री नहीं हो सकता, है ना, इंडस्ट्री नहीं हो सकता, हाईवे नहीं हो सकता, हाईवे नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं होगा, रेलवे ट्रैक नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर डैम वगैरह मतलब नदी वगैरह चला गया है तो उसके लिए डैम अगर बनेगा भी तो उसकी पूरी प्रोटेक्शन होगी, उसका मतलब काफी सावधानी से करना होगा ताकि वहां रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उस पर किसी भी तरह का हार्म ना हो, है ना। इन हार्म को नजर में रखते हुए पूरी प्रोटेक्शन की जाती है। और अगर इसमें इसके अपोजिट अगर कोई वर्क करते हुए देखे जाते हैं तो उसको जो लॉ है, क्योंकि ये एक्ट है ना, एक्ट है, और तो इस एक्ट के तहत उसको पनिशमेंट भी मिलता है, उसमें आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते। जैसे आप सलमान खान का एग्जांपल ले सकते हैं, जो बिश्नोई हिरन हिरन को मारने का जो काम किया था जंगल में, तो उसके लिए उस सेलिब्रिटी होते हुए, इतने बड़े आदमी होते हुए भी उनको मतलब पनिशमेंट मिला, आज भी मतलब केस चल ही रहा है, ठीक है। तो उसमें आप किसी भी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो ये पनिशेबल ऑफेंस है ना, आपको दंड मिलेगा। हर ऑर्गेनिज्म के लिए, हर एनिमल के लिए भी अलग अलग ढंग का एक्ट बना हुआ है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे, आप मुर्गा को देखते होंगे बाइक पे किसी ने उल्टा लटका के, पैर बांध के उल्टा लटका के ले जा रहा है, वो पनिशेबल ऑफेंस है ना। अगर वो ऐसा देख रहे हैं तो समझिए कि अगर उसको पुलिस अगर अरेस्ट करती है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको सजा मिलेगा, जो हमारे एक्ट में बताया गया है उसके लिए उसको पनिशमेंट मिल जाएगा। बैलगाड़ी से अगर कोई जा रहा है, बैल को आप निश्चित डिस्टेंस ही ट्रेवल करने देंगे, उससे ज्यादा आप ट्रेवल नहीं करवा सकते, उससे ज्यादा उसको आप नहीं ले जा सकते पैदल चला के। जैसे अब मान लीजिए 20 किलोमीटर ले जाना है तो 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर आप ले जाइए, 10 किलोमीटर आप ले आइए, लेकिन उससे ज्यादा आप दिन भर में उसको नहीं चला सकते हैं। कहीं आप देखते होंगे बैल को कोई दौरा के ले जा रहा है, यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे कि दौरा के ले जा रहा है, पनिशेबल ऑफेंस है, अगर पकड़े गए तो बेचारे की छुट्टी हो जाएगी, है ना। अब रही बात कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व हमारे देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। ये लिस्ट मैं यहां से नहीं लिखाऊंगा, ये आज का आपका होमवर्क होगा कि आपको लिस्ट लिखना है बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके बुक में है, उन बायोस्फीयर रिजर्व का नाम आपको लिख करके देना है, ये होमवर्क आपका होगा। तो आई थिंक नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व आप अच्छे से समझ गए हैं, बुक में आपको देखना है। और आपका होमवर्क आज के सेशन में क्या होगा कि आप क्या करेंगे, एक लिस्ट बना हुआ है, write the name of all biosphere reserve in your book। ये बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जो भी लिस्ट आपके बुक्स में बना हुआ है, ये बायोस्फीयर रिजर्व का लिस्ट आप बनाएंगे और वो होमवर्क सेशन में आपको भेजना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया बायोडायवर्सिटी के विषय में कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बायोडायवर्सिटी दिखाया गया है। हाँ, इसमें एक और चीज समझ लीजिए कि पूरे तीनों में एक वर्ड आता है फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा, और एक आता है फौना, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। तो ये जो फ्लोरा वर्ड है ये प्लांट के लिए, नाम से ही रखिएगा, ये फ्लोरा यानी कि फ्लावर, तो फ्लावर तो प्लांट में होते हैं, एनिमल तो होते नहीं है, तो फ्लोरा कहने का मतलब ये प्लांट से रिलेटेड है, और फौना कहने का मतलब तो जो बच गया, दो ही बात है, फ्लोरा एंड फौना, तो फौना जो है वो एनिमल से रिलेटेड है। तो ये कहीं भी अगर फ्लोरा एंड फौना लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि उस इलाके का प्लांट एंड एनिमल की बात हो रही है। तो कहीं भी जो जंगल होता है ना, उसमें सिर्फ जंगल ही नहीं होता है, उसमें बहुत सारे एनिमल भी होते हैं, प्लांट्स होता है तो बहुत सारे एनिमल भी होता है, ठीक है। तो ये फ्लोरा फौना, तो आज हम लोग इतना ही, फिर हम लोग
इंडिया बायोडाइवर्सिटी के विषय में डिस्कस करेंगे। 8 में बायोडाइवर्सिटी आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, 9 में पूरी डिटेल्स आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट्स बनाएं और ये होमवर्क आप सेंड करेंगे होमवर्क सेशन में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।